बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हरे भरे कबाब। इसके लिए लिया है हमने गोश्त आधा किलो, दाल आधा किलो, हमने हरी मिर्चें लाल हुई भी ली हैं और हमने इसमें लाल मिर्चें भी ली हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और आधी चम्मची नमक की हमने इसमें शामिल की है और इसे उबाल लिया है। अब हम इसे सिल पे पीसेंगे। ये देखिए, हमने इसे सिल पे पीसना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से हमारा गोश्त और दाल एक जैसा हो गया है पीस के। आप चाहें तो मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम अच्छे जायके की वजह से इसको सिल पे पीसते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा गोश्त। अभी हमने ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल नहीं की हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्रीन मसाले की तरफ। ये देखिए, हमारा ग्रीन मसाला रेडी है। एक गड्डी धनिए की, एक पुदीने की हले के हमने बारीक बारीक काट ली है। 12 मिर्चें लेके हरी हमने चॉप कर ली हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके हमने चॉप कर लिया है और ये 4 बड़ी बड़ी प्याज़े लेके हमने बारीक बारीक काट ली हैं। आए अब हम अपने सिल के मसाले की तरफ चलते हैं। हो गया है हमारा ये मसाला एकदम रेडी। अब हम अपने कबाबों के मसाले में आधा चमचा गरम मसाला शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे हसबे जायका, हम कम खाते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अदरक शामिल करेंगे, चॉप हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे। हम इसे हाथों से मिक्स करते हैं क्योंकि ये फिर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी चीज़ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें धनिया पुदीना शामिल करेंगे। एक एक गड्डी ली थी हमने धनिया पुदीने की। देखिए, ये भी हम हाथों से मिक्स कर रहे हैं। देखिए अभी से कितने ग्रीन हो गए हैं ये। ये देखिए कितने अच्छे और गोल बन रहे हैं हमारे कबाब। गोल कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आप गोल गोल कबाबों की गोली सी बना के रख दें, उसके बाद आप इनको सपाट कर दें। तो देखिए आपके कबाब कितने अच्छे और गोल बनेंगे। ये देखिए, एक अंडा लेके हमने फेंट लिया है और थोड़ा सा हमने तेल जला लिया है। हम जला हुआ सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी करते हैं उसको गर्म कर लीजिए अच्छी तरह से। कबाब को हम अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसे फ्राई पैन में डालेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा कबाब। हम इन्हें एक तरफ से अच्छी तरह से होने देंगे, इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। जल्दी से कबाब पलटने में या जल्दी से किसी भी चीज़ को पलटने में जल्दी करेंगे तो फिर वो टूट जाएगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए हम थोड़ी देर से इसको पलटेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से गुलाबी हो जाएंगे जब हम इसे पलटेंगे। देखिए हमारे सारे कबाब हमने पलट दिए हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है। थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे हम इन्हें, उसके बाद निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे बने हमारे हरे भरे कबाब। खुशबू इनकी हमें बहुत अच्छी आ रही है, अब आप भी ट्राई करिएगा।
कबाबों की खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इन्हें टेस्ट करके देखेंगे, थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, और आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कैसे बनाए। क्योंकि सिल पे पिज़्ज़ा है इसलिए इनका जायका दो गुना हो और हो गया है। इसके साथ ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।